हैं गौरव नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आज जो रिकवरी दिखी वो पूरी तरीके से शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट था। डेटा देखें, रोलओवर्स देखें, क्या इंडिकेशन मिल रही है नेक्स्ट सीरीज के लिए? गुड इवनिंग। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो राइज है या कोई जंप या बाउंस बैक या शॉर्ट कवरिंग, आप इसमें से कोई भी इस्तेमाल कीजिए, क्या वो फॉलो हमको देखने मिल रहा है? हमने 200 पॉइंट के दिन भी देखे हैं अपसेट के, 400-500 पॉइंट के अपसेट के दिन भी देखे हैं, लेकिन 16,400 पे आते आते चीज़ें जो है वहाँ पर अटक जाती है। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक 16,400 पे एक अच्छा हर्डल है, 15,750-18,000 जो है ये इसका एक सपोर्ट था, तो वहीं के आसपास में जो है ये ऊपर जाया है और ये अभी भी दायरे के अंदर है। जो बेहतर लग रहा है, जो अभी आउट परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से निफ्टी ने आज अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ा, वो है बैंक निफ्टी। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगी और एक अच्छा एक रेंज ब्रेकआउट, इसमें भी एक रेंज था जहाँ पे 34,800 पे काफ़ी अच्छा हर्डल था। आज चाहे आप फ्यूचर्स का हो या चाहे आप स्पॉट लेवल्स की बात कीजिए, उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिल रहा है, कम्फर्टेबली उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये जो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, चैनल का एक तीन पैटर्न्स का ब्रेकआउट देखने मिला है। अगर ये 34,800 होल्ड हो जाता है तो यहाँ से और 700-800 पॉइंट की अपसाइड आपको 2-3 दिनों में देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है, वो पुश कर लेगा निफ्टी को टूवर्ड 16,400। वहाँ पर रिव्यू करना होगा क्या वहाँ पर आवली क्लोज आ रहा है, अगर नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लेकिन वहाँ पर अगर क्लोज आ जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको और 400-500 पॉइंट की निफ्टी में भी देखने मिल सकती है। ट्रेड के लिए बैंक निफ्टी बेहतर है, निफ्टी जो है फिलहाल अभी भी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं।